आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर को सेट कैसे करते हैं। ऑटोमेटिक सेट ड्रिंकर सेट करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि पानी नहीं आता है, तो उसको कैसे सही करते हैं, सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो हाय यार, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं दाब्रो पोल्ट्री। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इसके अंदर जो ये काला वाला पार्ट रहता है, इसके अंदर पानी भरें या फिर गिट्टी उट्टी डाल दें, मट्टी उट्टी डाल दें। तो सबसे अच्छा है क्या, इसके अंदर पानी डालो। पानी क्या रहता है, वो चारों तरफ से जो है ना, इसके तरफ से एक नॉर्मल अमाउंट में फैला रहता है। जबकि अगर आप इसके अंदर गिट्टी डाल देते हो, मिट्टी डाल देते हो, तो गिट्टी मिट्टी एक तरफ कभी झुक सकती है, तो पानी जैसे ड्रिंकर ये है आपका ना, तो ड्रिंकर थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, तो इस तरफ पानी कम रहेगा, इस तरफ पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मल इसके अंदर पानी डालो और पानी थोड़ा सा वजन में डालो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया करो, ताकि ज़्यादा वजन रहेगा तो पानी का फ्लो अगर आपको ऊपर नीचे करना रहेगा तो उस वो करने में आपको आसानी मिल जाती है, ठीक है। और अगर गिट्टी डालते हो, अगर कहीं से फूटा उटा हो गया तो फिर गिट्टी डालो तो समझ में आता है। तो पानी डालेंगे इसमें हम लोग, सबसे पहले इसको हम लोग सेट करने हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले पानी डालेंगे। ये देख लो, अच्छा खासे अमाउंट में इसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पानी डाल लिए, थोड़ा बहुत तो गिरता ही है यार। ये हो गया अपना, ये हो गया। तो वैसे तो ये जो मैं ड्रिंकर सेट करना बता रहा हूँ ना, इसमें तो आधे पुर्जे उर्जे सब लगे हुए हैं। अगर आपको ये जानना है ना, अगर इसका एक एक पुर्जा निकाल दिया जाए, उसको कैसे सेट करते हैं, तो उसके ऊपर मेरी ये बहुत पुरानी वीडियो है, शायद 2017-18 में आई होगी, वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये खाना बना रहता है, ठीक है, और यहाँ पे एक खाना बना रहता है, दोनों में, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सेट करना है, ऐसे इसमें लगाना है, ठीक है, और इसे यहाँ पर ऐसे घुमाना है, यहाँ पे इसको घुमाना है। इसमें कट से आवाज़ होनी चाहिए, देखो इस तरीके से आवाज़ हुई, यानी कि अब ये जो है सेट हो गया है। अब बचा ये, इसमें एक वाइट सा पार्ट रहता है, ये आपको मिलेगा, ये आपको इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। इसको घुमा दो, अच्छे से टाइट कर दो, ताकि जो है खुल के गिरने के चांसेस ना रहें, ठीक है। ये आपने कर दिया, अब ये क्या रहेगा, अब इसको जो है इसमें इस तरीके से लगाना है, तो और ये वाइट वाले पार्ट को ऊपर लेना है। ये कर दिया और ये कर दिया, ये आपका ड्रिंकर जो है पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है ये ब्लैक वाली जो पाइप रहेगी, इसमें आप करेक्ट कनेक्ट किए रहेंगे। बाकी इसके TU के बारे में जो भी क्या कहते हैं जानना होना है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा, अब इसको यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। इसको खूब अच्छे से सेट कर लो आप, अभी चलो अभी हल्का सा सेट हो गया, तो अभी इसको चालू करते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने इसको रस्सी बांध के रखा था, क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो चाहिए था मुझे, तो इसको भी खोल लेते हैं रस्सी को भी, और इस ड्रिंकर को लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ऊपर करेंगे क्योंकि जब थोड़ा सा लोड वोड पड़ेगा तो इसके अंदर पानी गिरना चालू होगा। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो कि ये हो गया है, और ये जो है हल्का फुल्का जो है पानी गिरना चालू हो गया। ये पानी गिरना क्यों चालू हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी डाला था। अगर आपका पानी गिरना नहीं चालू होता है तो फिर क्या करना है, तो उसके लिए इधर आओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि आपने वो वाला ड्रिंकर देखा था, उसमें तो पानी आ गया, लेकिन ये वाला ड्रिंकर देखेंगे तो इस ड्रिंकर के अंदर अभी तक पानी नहीं आया है, ठीक है। तो इस ड्रिंकर के अंदर पानी नहीं आया तो अभी क्या करेंगे, इसको ये जो काला वाला भाग है ना, काले वाले भाग को ऐसा खोलेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। काले वाले भाग को ऊपर की तरफ करेंगे, और ये जो वाइट वाला भाग है इसको नीचे की तरफ जो है टाइट करेंगे, ये देखो। और जैसे ही इसको जितना भी पानी चाहिए रहेगा, उस हिसाब से इसको काले वाले भाग को खोलते जाएंगे और सफ़ेद वाले भाग को नीचे की तरफ टाइट करते जाएंगे। अब ये देखो, ये टाइट चलते काला वाला भाग को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, मतलब खोल दिया, ढीला कर दिया, ये इस तरीके से ढीला कर दिया आपने, ठीक है। और सफ़ेद वाले भाग को नीचे की तरफ टाइट कर दिया। अब ये देखो, मस्त पानी आने लगा। अब जिस भी लेवल पे पानी चाहिए, देखो अभी यहाँ पे हम लोगों का टारगेट है ये वाला पानी, तो जिस भी लेवल पे पानी चाहिए रहेगा अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से आप पानी को सेट कर सकते हैं कि कितना कितना आपको करना है। उसके बाद इसमें कुछ जनरल बात तो हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया ऑटोमेटिक ड्रिंकर हो गया, तो ऑटोमेटिक ड्रिंकर को हम एक लेवल पर लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से कभी भी इसमें ध्यान देना है कि पानी जो है ओवरफ्लो वो ना हो पाए, नॉर्मल सा पानी इसमें निकलता रहे। और इसको आपको डेली इंटरवल पे साफ़ करते रहना है अपना ड्रिंकर, क्योंकि अगर आप डेली इंटरवल पे साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे हल्की हल्की काई जम जाएगी। और रोज़ के रोज़ आप इसको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना है, और साथ ही साथ जो आपकी ये टंकी है,
इसको आपको हर बैच के बाद एक बार अच्छे से साफ़ करना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो छोटी है और आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर अपना लाइक करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को लाइक करो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।